ये देख सकते हो मेरे बैक साइड काफ़ी अभी स्नोफॉल होने लग चुके हैं। नारकिंडा मैन मार्केट आया था तो गाइस मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ काफ़ी अभी स्नोफॉल होने लग चुके हैं, मैं बाल धोने आया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस हमने ऑल्टो कार ऊपर मैन पक्के रोड तक मतलब निकाल दी है, जहाँ तक मतलब तारिंग हुई है। यहाँ एक होटल है 33 होटल, यहाँ तक हमने अपनी ऑल्टो कार निकाल दी जो सबसे पहले पहुँची इन दो गाड़ियों में से, इन तीन गाड़ियों में से सबसे पहले हमारी ऑल्टो पहुँची है। तो आपको पता ही ऑल्टो 4x4 नहीं होती है, बाकी ये दोनों गाड़ियाँ 4x4 है। तो देख सकते हो स्नो में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है निकालना। पीछे एक दो ब्लॉग में देखा भी होगा आपने कि हमारी गाड़ी बीच में कई जगह फंस रही थी। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जो गाइस हमने गाड़ी निकाली है ऑल्टो वगैरह एंड जो ये 4x4 है। तो गाइस इसमें हम जा रहे हैं, हम यहाँ से नारकिंडा, गाड़ी हमने वहीं पर पार्क कर दी है, यहाँ से हम जा रहे हैं नारकिंडा मैन मार्केट। तो गाइस अभी वीडियो से मैं बने रही है एंड तक। तो देख सकते हो आप व्यू और स्नो देख सकते हो, लाइव स्नो फॉल हो रही है, काफ़ी हैवी स्नो फॉल हो रही है, साथ ही साथ में कोहरा काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। बट ऐसा पहली बार हुआ कि कोहरा भी देखने को मिला, बट देखने को मिलता नहीं, तो स्नो सर्दियों में कभी कोहरा नहीं पड़ता था, स्नो पड़ती थी लेकिन कोहरा कभी नहीं होता था। कुछ 3-4 सालों पहले से देख रहा हूँ मैं कि स्नो टाइम में भी कोहरा पड़ता है, मतलब इस तरीके का कोहरा कभी नहीं पड़ता था। गाइस आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। तो ये आप अभी यहाँ से नारकिंडा को जा रहे हो, और यहाँ से काफ़ी स्टीप मतलब स्टीप नहीं मतलब उतराई वाला रोड है, डाउन तरफ को पड़ती है, थोड़ी उतराई पड़ती है। और ये गाइस छोटी गाड़ी आ रही है, तो गाइस ये जा रहे हैं घर गाँव से, ये मतलब रिलेटिव है, तो ये घर जा रहे हैं यहाँ से नारकिंडा से मतलब। तो ये बर्फ भी उतार रहे गाड़ी नारकिंडा तक। तो गाइस हम पहुँच चुके थे वहाँ पर जहाँ से ऑटो पिक जाते हैं, वहाँ से जाता है ये रोड आपका मैन मार्केट नारकिंडा के लिए। तो ये गाइस यहाँ पे काफ़ी से पर्सन काफ़ी मतलब ऐसे ही कर देते हैं, गाड़ी हर कहीं खड़ी कर लेते हैं। जैसे ये देख सकते हो आप, इस बिल्कुल मैन कैंची यहाँ पे बिल्कुल स्नो पड़ी हुई है और बीच रोड में गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। और ये गाइस ये गाड़ी देख सकते हो आप स्लिप होने लग चुकी है 4x4, बट ये भी स्लिप होने लग चुकी है क्योंकि गाइस हर कहीं गाड़ी खड़ी करके मतलब ऐसा हो जाता है कि गाड़ियाँ मतलब ग्रिप नहीं कर पाती, इसलिए गाड़ी रेड मोशन में चली जाती है, तो चली जाती है जब कहीं रुक जाती है तो फिर वहाँ ग्रिप अच्छे से कर नहीं पाती, फिर बैक रिवर्स से नहीं लानी पड़ती है दोबारा से मोशन में। तो आप ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक गाड़ी घूम रही है बिल्कुल ही पूरी, देख सकते हो आप गाइस उन्हीं की गाड़ी, उन्हीं की गाड़ी थी, हमने पास दे दिया था। तो गाइस मेन मार्केट में लाइव स्नोफॉल देख सकते हो आप, हैवी स्नोफॉल हो रही है बट कोहरा काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से क्लियरिटी नहीं आ रही, बट ये है कि स्नो आपको काफ़ी अभी देखने को मिल रही है। देख सकते हो गाइस नारकिंडा में लाइव स्नोफॉल चली है अभी भी, आप देख ही सकते हो गाइस वीडियोस में। और ये देख सकते हो गाइस मैन मार्केट नारकिंडा, यहाँ आगे सामने का मंदिर है, बट इतना कोहरा है कि आपको यहाँ से सामने का मंदिर तक नहीं दिख रहा। आप देख सकते हो, जज कर सकते हो, जो मैन मार्केट में मंदिर था वो भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हो धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो गाइस इसका कारण ये नहीं है कि मेरा फ़ोन कैमरा क्वालिटी में मतलब कुछ है, या कैमरा थोड़ा ख़राब है, या मॉइस्चर पड़ गया, लेकिन नहीं, क्योंकि कोहरा इतना है कि आपको यहाँ से कुछ देखने को नहीं मिला, नहीं तो काफ़ी फ्रेश काफ़ी अच्छा देखने को मिलता था, काफ़ी अच्छा व्यू आता। तो आप ये देख सकते हो गाइस यहाँ से आपका रामपुर वगैरह, रामपुर किन्नौर मनाली वगैरह हर जगह के लिए रोड जाता है, ये मेन मार्केट नारकिंडा है, यहाँ से आपका हर जगह कवर रोड जाता है। अगर आप नारकिंडा में स्नो ड्राइव वगैरह करना चाहते हो तो हमारे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको अच्छी अच्छी लोकेशन पर स्नो ड्राइव के लिए ले जाएंगे। तो बाकी ये देख सकते हो व्यू काफ़ी प्यारा है नारकिंडा में लाइव स्नोफॉल के साथ, और मैं मतलब गाड़ियाँ मैक्सिमम गाड़ियाँ पे स्नो पड़ चुकी है, मतलब दब स्नो के नीचे ढक चुकी है, मतलब जो तो मतलब वर्किंग में है, मतलब चल रही है आ जा रही है, तो उसमें तो स्नो कम है, जो एक जगह खड़ी हो गया स्टैंड हो गया तो उस पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल जम चुकी है। ये देख सकते हो गाइस लाइव स्नोफॉल होते हुए ऊपर से, आप इन्जॉय लीजिएगा इस लाइव स्नोफॉल का। तो शायद आई थिंक आपको कोई ना वो दिखाएगा नहीं कि लाइव स्नोफॉल के बारे में, मतलब ऐसा दिखाएगा नहीं जैसे मैं आपको लाइव स्नोफॉल दिखा रहा हूँ। तो गाइस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस ये देख सकते हो आप व्यू भी काफ़ी प्यारा आ रहा है, बट अभी स्नो ही मतलब ये वीडियो थोड़ी स्लो मूव करके मैंने मतलब आपको दिखाना चाहता था कि जो स्नोफॉल गिरती है वो किस तरीके से रहती है। तो आप ये देख सकते हो गाड़ी छत देख सकते हो यहाँ पर कितनी, इस सब पे स्नो ही स्नो है, बाकी मैन मार्केट नारकिंडा तो बिल्कुल बंद रह चुकी है, मतलब 3-4 दुकानें एट लास्ट 3-4 दुकानें ही खुली होंगी, बाकी तो सारी शॉप्स बंद है। ये देख ही सकते हो गाइस आप मेन मार्केट का व्यू, तो गाइस यहाँ स्नोफॉल देख सकते हो, लाइव स्नोफॉल चली है, काफ़ी है स्नोफॉल हो रही है, आपको मतलब ना
नारकिंदा मैन मार्केट में नी स्नो हो रही है, बट हर टू पिक साइड ज़्यादा स्नो होंगी, देख सकते हो आप गाइस वीडियोस में। ये देख सकते हो मेरे बैक साइड काफ़ी अभी स्नो फॉल होने लग चुके हैं, नारकिंदा मैन मार्केट आया था तो गाइस मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ काफ़ी अभी स्नो फॉल होने लग चुके हैं, बाल कटवाने आया था तो गाइस मैं यहाँ पे कटिंग करवाऊँगा बालों की। शिवू भैया काफ़ी अच्छी कटिंग करते हैं, और ये देख सकते हो स्नोफॉल यहाँ पे काफ़ी अभी स्नोफॉल होने लग चुके हैं नारकिंदा के हर टॉपिक पे, और काफ़ी से लोग इसका वेट कर रहे थे। और ये देख सकते हो गाइस स्नो साफ करने के लिए चैन लगा के मशीन आई है, तो गाइस पूरे स्नो साफ कर रही है, आप ये देख ही सकते हो। नारकिंदा में काफ़ी हैवी स्नो फॉल होने लग चुकी है, आप गाइस ये देख सकते हो आप वीडियोस में कि कितनी हैवी स्नो फॉल होने लग चुकी है। यहाँ पे आप वीडियोस में देख ही पा रहे होंगे कि कितनी हैवी स्नो फॉल नारकिंदा मैन मार्केट में होने लगी है, तो आप यहाँ छतों पे भी देख सकते हो कि कितनी स्नो हो चुकी है इकट्ठी, और काफ़ी से गेस्ट यहाँ स्नो का इन्जॉय ले रहे हैं, तो आप देख ही सकते हो गाइस यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नो फॉल होने लग चुकी है नारकिंदा के हाथ पे। और गाइस गाड़ियों को पुश करते करते काफ़ी बुरे हाल हो गए थे कि मतलब 5-6 गाड़ियाँ तो करके लाया हमने,